नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। स्थानीय विधायक सुभाष ठाकुर ने मोरसिंघी मेले का शुभारंभ किया। जी हां, आपको बता दें, नलवाड़ी मेला मोरसिंघी का शुभारंभ स्थानीय विधायक सुभाष ठाकुर ने पशुओं को पेड़ा खिलाकर और खुंडा गाड़कर किया, जिसकी अध्यक्षता कमेटी प्रधान मोरसिंघी राहुल चौहान ने की। सुबह मोरसिंघी गांव से होते हुए पंचायत घर तक ढोल नगाड़ों की धाक से शोभा यात्रा पंचायत भवन तक पहुंची। स्थानीय विधायक सुभाष ठाकुर ने कूटा गाड़कर वहां मेले का शुभारंभ किया। आपको बताते चलें कि इस मेले का शुभारंभ खाद्य आपूर्ति मंत्री द्वारा किया जाना था, मगर उनके न आने से सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने इसका शुभारंभ किया। मेला कमेटी प्रधान राहुल चौहान का कहना था कि मोरसिंघी पंचायत में पुस्तैनी नलवाड़ी मेले में मुख्य अतिथि द्वारा खुंदा गाड़कर एवं पूजन के साथ शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें, दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक लोकल कलाकार, स्कूल बच्चे और महिला मंडलों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन जारी रहा। स्थानीय लोगों और महिला मंडलों के द्वारा रस्साकस्सी और कुर्सी दौड़ का भी आयोजन किया गया था। इस मौके पर जिला पार्षद बिमला देवी, उप प्रधान अनिल चौहान, कुठेड़ा पंचायत प्रधान ज्योति प्रकाश सहित काफी सारे लोग मौजूद रहे। बिमला देवी जी, मेला कमेटी के प्रधान श्रीमान राहुल चौहान जी, कुठेड़ा पंचायत के प्रधान ज्योति प्रकाश जी, हमारे मंडल के उपाध्यक्ष व पूर्व उप प्रधान राकेश जी, पटेल पंचायत की प्रधान अंजना कुमारी जी, उपप्रधान मोहन सिंह जी, अनिल कुमार जी, रिटायर्ड SDM आदरणीय BD शर्मा जी, रिटायर्ड BDO, साल के बाद कोरोना के कारण यह हमारे जितने भी मेले थे, उत्सव थे, जितने भी धार्मिक समारोह थे, यह सभी 2 सालों से चाहे स्थगित मानो, चाहे कोरोना काल में जो पूरी दुनिया में यह सारा महामारी आई थी, जिसके कारण नहीं हो पाए थे। हमारा सदियों से चला हुआ बिलासपुर का नलवाड़ मेला भी यह इतिहास में पहली बार हुआ कि यह 2 साल तक नहीं हो पाया। पूरी दुनिया इस कोरोना के महामारी से जहां अछूती नहीं रही, वह हम और आप व्यक्तिगत तौर पर भी इससे अछूते नहीं रहे। बहुत से परिवार जनों के सदस्य इसमें भगवान को प्यारे हुए। मैं अपनी तरफ से उनके उन सभी परिवारों को संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं और आपकी तरफ से भी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे संस्कृति और हमारे भारत के संस्कृति में इतनी ताकत है कि दोबारा से उसी तरह से हमारे चाहे मेले हैं, चाहे समारोह हैं, चाहे धार्मिक अनुष्ठान है, चाहे हमारी सोशल एक्टिविटीज हैं, चाहे पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, वह सभी इसी इसके बाद दोबारा आप सभी के सहयोग से, और यह हमारी परंपरा और संस्कृति की ताकत है कि दोबारा यह उसी तरह से वह हो रहे हैं। आपने भी इसका शुभारंभ दोबारा 2019 में इसका आपने शुभारंभ किया था, उसके बाद कोरोना आ गया था, अब दोबारा आपने इसको शुरू किया है। उसके लिए भी मैं सभी आपकी मैनेजमेंट कमेटी को और सभी लोगों को जिन्होंने इसमें सहयोग किया है, आप सभी को मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं, बधाई भी देना चाहता हूं। ये जितने भी मेले और उत्सव है, यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी है और जीवन में बहुत से प्रेशर जो होते हैं, बहुत से ऐसे काम होते हैं कि हमें फुर्सत नहीं होती, चाहकर भी हम कई बार चाहते हैं कि कुछ समय निकाला जाए, अपने पुराने जो मित्र हैं उनसे मिला जाए, बहुत से लोग हैं जिनके साथ बातचीत की जाए, लेकिन समय के अभाव के कारण और मजबूरी और जिम्मेवारियों के कारण यह सब नहीं हो पाता। यह भी अगर संभव होता है तो इन्हीं त्योहारों की वजह से और इन्हीं मेलों के आयोजन से हम सभी लोग मिलते भी हैं, और मेला नाम ही ऐसा है कि मिलन का नाम भी है, बातचीत करने का नाम भी है,
खुशी मनाने का नाम भी है और जहां व्यावसायिक लोग इसमें दुकानें भी लगाते हैं, एक व्यापार भी होता है। और नलवाड़ का तो अब नलवाड़ी का तो अब नाम रह गया है, बैलो और बाकी चीजें है, ट्रैक्टर और बाकी टिलर पावर टिलर ने ले लिया है। और जिस तरह से हमारे किसानी है, हमारा गांव का सारा सिस्टम है, वह उसमें भी बदलाव आया है। सुभाष ठाकुर जी, मैं सर्वप्रथम आपका इस नलवाड़ मेला मोर सिंह जी मेरे पधारने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं अपनी कमेटी की ओर से, अपने समस्त क्षेत्र वासियों की ओर से, जितने भी हमारे यहाँ नजदीक के पटेल दावला पंचायत और हमारी मोर सिंह की कुठेड़ा कल्याणा बलसवाई, जितने भी हमारे लोग क्षेत्रों से लोग यहाँ पहुंचे हैं, मैं उन सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद करता हूँ। उनकी तरफ से भी आपका यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आपके साथ मैं यहाँ उपस्थित हमारे जिला परिषद बिमला जी, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आप नलवाड़ मेला में पहुंचे और आपने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ यहाँ R9 भारत के लिए विनोद चड्ढा, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।